हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग सैमसंग गैलेक्सी एम सेवन कर एंड किसी भी अनदर एंड्रॉइड फ़ोन जो आपका फ़ोन लॉक हो चुका है तो उस आप लॉक को कैसे हटाएंगे, कैसे तोड़ेंगे बिल्कुल ही। ठीक है, तो मैं इस वीडियो आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊंगा, जनरल ट्रिक बताऊंगा जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कई सारे यूट्यूबर लोग वीडियो पहले से बना चुके हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो किसी यूट्यूबर ने शायद ही बताया होगा यूट्यूब पर इससे पहले। ठीक है, तो उस ट्रिक को जानने से पहले गाइस चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि सैमसंग से रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं पर डे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ अपने फ़ोन में। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा, अगर आपका फ़ोन मतलब लॉक हो गया, ठीक है, लॉक अगर हो जाता है तो आपके फ़ोन तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले आपका जो जीमेल है, जो आप यूट्यूब यूज़ करते हो तो यूट्यूब में अगर जो आपका जीमेल है, फ़ोन का जो जीमेल है उसको याद रखना होगा एंड उसका पासवर्ड याद रखना होगा। ठीक है, अगर ये आप दोनों चीज़ आपको याद है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग तोड़ सकते हो अपने फ़ोन का लॉक। ठीक है, तो आप अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है एंड आपके अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी के पास भी तो होगा अच्छा फ़ोन, तो वहाँ पर से गाइस आपको कुछ नहीं करना होगा, एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा 2 MB का, उसका नाम है फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, अगर आपका सैमसंग एम सेवन कोर मतलब लॉक हो गया एंड किसी भी अनदर फ़ोन अगर लॉक हो गया तो उसमें सिर्फ एक ही काम करना होगा यही। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड माई डिवाइस को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पर मेरा जीमेल दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर है। ठीक है, ब्लर इसलिए है क्योंकि मैं अपना जीमेल शेयर नहीं कर सकता। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर देखे कंटिन्यू एस जीत, मतलब मेरा जीत नाम से है गूगल अकाउंट, तो यहाँ पर से मैं कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते साइन इन गेस्ट, मतलब गेस्ट अकाउंट से आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपका फ़ोन ही दिखेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना होगा। तो मैं सीधा चलता हूँ अपने दूसरे फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने दूसरे फ़ोन के स्क्रीन पर। गाइस, मैं अपने दूसरे फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ठीक है, आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर एक मतलब फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन। तो गाइस, आप इस फ़ोन को आवाज़ थोड़ा सा ढीला है, मतलब इस फ़ोन में आवाज़ ज़्यादा कैप्चर नहीं होता है, इसीलिए मैं सैमसंग के फ़ोन में वीडियो बनाता हूँ। इस फ़ोन में आवाज़ थोड़ा ढीला आता है मतलब रिकॉर्ड करने पर, तो यही से आप काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड माई डिवाइस, तो इसको मैं जैसे अनेबल करता हूँ यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पर सब कुछ नहीं करना होगा, आपको एक जीमेल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कंफर्म मतलब जीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पर जब जैसे मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में बहुत सारा जीमेल आ गया। अगर जो आपके फ़ोन में सैमसंग का फ़ोन है एंड किसी भी अनदर फ़ोन है तो उसमें अगर आपके पास कोई भी जीमेल है तो उस जीमेल को यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं रजिस्टर करता हूँ साइन इन पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ गाइस साइन इन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो मैं सबसे पहले अपना इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद गाइस इधर से मैं कर देता हूँ साइन इन एज गेस्ट पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ गाइस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा वेट करना होगा। गाइस वेट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं गेस्ट साइन इन, तो थोड़ा सा वेट करना होगा गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। इधर से देख सकते हैं वेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका जीमेल और फ़ोन आ चुका है, तो यहाँ पर से मैं आपको कुछ नहीं करना होगा, उसका अगर जीमेल याद है तो आप जीमेल को यहाँ से रजिस्टर कर रहे होंगे। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, तो अगर आपके फ़ोन में जीमेल रजिस्टर है मोबाइल नंबर से तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने जीमेल को डाल लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है डाल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ वीडियो में। यहाँ पर से गाइस आप लोगों को जीमेल रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जीमेल आपको यहाँ पर डाल लेना होगा, तो मैं अपना जीमेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। जीमेल डालने के बाद गाइस आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से ये जीमेल मतलब सिलेक्ट करना होगा, तो मैं सबसे पहले उस जीमेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर से गाइस देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जीमेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जीमेल। ठीक है, जीमेल यहाँ पर लिख लिया, लिखने के बाद गाइज आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं गाइज ऐसा आपको कुछ आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर यूर पासवर्ड। ठीक है, अभी थोड़ा आपको ये ब्लर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है, तो अभी आपको ब्लर दिखना चालू हो जाएगा। तो इधर से गाइज मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, इधर से मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली गाइस यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल लेना होगा उसी जीमेल का, तो इधर से मैं शो अप कर देता हूँ। एंड जीमेल डालने के मतलब आपका पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इधर से आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पर कुछ आपको वेट करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं वेट
करने के बाद आपके फ़ोन में एक मैसेज नोटिफिकेशन आ जाता है। एंड आने के बाद गाइस इधर देख सकते हैं सैमसंग एमजोन कोर, ये आप लोगों को दिख रहा है ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा टेक्नो स्पार्क का 7 है, इसको अगर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर टेक्नो ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन वगैरह सारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7 मेरे फ़ोन में 85% चार्जिंग है। एंड यहाँ पर जीत यूट्यूबर जो मेरा नेटवर्क कनेक्ट है, तो इधर मैं सिंपली सैमसंग के फ़ोन में चला जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 82% चार्जिंग है, यहाँ पर जियो 4G से कनेक्ट है। तो आप लोग अब इसमें लॉक कैसे तोड़ेंगे, तो लॉक तोड़ने के लिए सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योर डिवाइस, तो इसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इधर से आप लोग लॉक को चेंज कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर देख सकते हैं प्ले साउंड एंड आपको तीसरा नंबर जो है ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ई रिसे डिवाइस, तो इसको आप लोग जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं रिसे डिवाइस डिविक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। एंड यहाँ पर ऑल डेटा विल प्रोवाइड सेंड फ्रॉम इट डिवाइस आफ्टर यू आर डिवाइस हैज बीन इस डायरेक्टिव, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा आप लोगों को मिल जाता है। अगर आपको नीचे यहाँ पर ग्रीन जो स्क्रीन दिख रहा है, मतलब छोटा सा दिख रहा है, उसको अगर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन ना पूरा का पूरा रिसेट हो जाता है एंड एकदम नया बन जाता है। एंड आपका पासवर्ड वगैरह सारा का सारा चीज हट जाता है। हटने के बाद गाइस मैं चलता हूँ अपने सैमसंग फ़ोन के स्क्रीन पर। चलो यहाँ पर से गाइस मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M01 एंड बाकी अनदर डिवाइस फ़ोन में आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं अपने लॉक को हटा सकते हैं तोड़ सकते हैं। तो मैंने छोटा सा एक सिंपली से यहाँ पर ट्रिक लगाया जो कोई अभी तक यूट्यूब पर बताया नहीं, लेकिन कई सारे लोग वीडियो बना चुके हैं इनको ट्रेस करने के लिए। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड मैं इसी तरीके से कंटेंट बनाता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।